महसूस नहीं ओके होता माता है। जी, आप ये बताइए, आपके पास ना तो बीपीएल कार्ड है, और हाँ 14 साल तक आपके घर बिजली नहीं आई, 14 साल तक। हाँ जी, 14 साल तक हमारे घर में बिल्कुल लाइट नहीं रही, हम मछली की तरह से तड़फड़ाते रहे गर्मी में, गर्मी परेशानी में, में। गर्मी में नीचे जमीन में लेट जाते थे, ठंडा ठंडा लगता था, रात को ऊपर छत पे लेट जाते थे। एक तार की लाइट भी नहीं देता था। लोग सोच मतलब इतने स्वार्थी हैं कि मतलब देखते रहते थे, लेकिन ये भी नहीं कि कभी एक पंखे तार मतलब चोरी बिजली चोरी कितनी होती है। बराबर में मस्जिद है, हमने मस्जिद वालों से भी कहा तो उन्होंने भी हमारी सुनाई नहीं करी, उन्होंने भी हमें एक एक तार नहीं दिया लाइट का। मस्जिद है सामने बराबर में, मस्जिद वालों ने भी नहीं दिया, नहीं उन्होंने भी नहीं दी हमें लाइट, हम मछली की तरह से तड़फड़ाते रहे, किसी ने हमारी सुनाई नहीं की पड़ोस में जो है। तो माता जी आपके पैरों में भी कितने परेशानी, चलने में दिक्कत है? मेरे को इतनी परेशानी है कि मैं जो ना बैठ सकती हूँ, ना खड़ी हो सकती हूँ, ना मेरे से ज्यादा चला जाता है, मैं समझो 10 कदम भी नहीं चल सकती। डॉक्टर ने भी मना कर, मैं बैठ के जो है ना थोड़ा चलना हो तो बैठ के चलती हूँ। और ऊपर से राशन वाला आपको चक्कर कटवाता है कि कल आना परसों, राशन वाला इतना चक्कर कटवाता है, कभी कहता कल आना, कभी कहता परसों आना, कभी कहता है पर्ची बनवा लो, और कभी कहता है ना नेटवर्क नहीं आ रहे, सबको भगा देता है राशन के लिए। आज मुझे 3-4 दिन हो गए परेशान होते होते, घर में राशन बिल्कुल नहीं है, राशन है नहीं अभी फिलहाल घर में, नहीं है। हम उससे राशन वाले से कभी कभी ये बोलते हैं 6 किलो गेहूं में हमारा गुजारा नहीं हो पाता, तो हमें चावल के बदले गेहूं ही दे दे, तो वो भी नहीं देता। 10 किलो कुल मिला के 10 किलो राशन आता है, उसमें हमारी पूर्ति नहीं हो पाती, तो 10 किलो गेहूं के लिए बोल दे तो उसके लिए भी वो मना कर देता है। तो योगी जी आप देख लीजिए, ये है असलियत उत्तर प्रदेश में, ये है गरीबों का हाल। एक बहन जो फिजिकली चैलेंज है, माता जी जो है घुटने उनके खराब हो चुके हैं, बैक में प्रॉब्लम है, बहन की बैक में प्रॉब्लम है, वो चल नहीं पाती हैं, परेशान है। माता जी की मेरी आंखों का दोनों आंखों का ऑपरेशन बोला है डॉक्टर ने, लेकिन मैं इस परेशानी की वजह से ऑपरेशन भी नहीं करा सकती कि घर में लड़की को कौन संभालेगा। सही बात है माता जी, आपकी भी बात बिल्कुल सही है। मेरी कमर की हड्डी खिसक गई है, मैं बहुत परेशान हूँ, ना मेरे से चला जाता ना फिरा जाता, बहुत परेशान हूँ मैं, खर्चे पानी से भी परेशान हूँ मैं, अब मेरे से कुछ भी नहीं होता। माता जी आप निश्चिंत रहिए, आप आराम से रेस्ट कीजिए, अब जो है ना जो हमारे फौजी भाइयों का जो ग्रुप है वो आपका देख रेख करेगा, और हमारा जो चैनल है रॉयल सोल्जर, प्लीज़ यार हेल्प कीजिएगा इस बहन की, इस माता जी, इनका अकाउंट नंबर मैं डिस्प्ले पे पब्लिश कर रहा हूँ, जितना भी हो सके प्लीज़ इनको सपोर्ट कीजिएगा। एक तो इनके घर में पानी की मोटर नहीं है, ये हैंडपम्प से पानी खींचती हैं, बेचारी मजबूर हैं, क्योंकि राशन के लिए मैंने बताया राशन वाला राशन देता नहीं, सिर्फ 6 किलो गेहूँ मिलते हैं इनको सरकारी राशन से, 6 किलो में यार कैसे पूरा महीना निकलेगा 2 लोगों का, ऊपर से इनके बहुत सारी दिक्कत है, परेशानी, मेडिकल ट्रीटमेंट। नाली इतनी गंदी रहती है, सारी गंदगी मेरे घर के अंदर आ रही है, कोई सुनवाई नहीं करता, सारी गंदगी मेरे घर में आ रही है, नाली की कोई सुनाई नहीं करता, इतनी परेशानी, सबसे नीचा मेरा मकान पड़ रहा है, सबसे ज्यादा परेशानी मुझे हो रही है, बरसात के समय में सबसे ज्यादा नरक जीवन हो जाता है हमारा। क्यों तो यही कुछ सामान लेके माता जी रेलवे स्टेशन पे जाती हैं बेचने के लिए, वो भी कोई शॉर्ट ही नहीं कि कभी बिका कभी नहीं बिका, घर में सामान रखा हुआ है, घर में भी पिछले 1-1.5 घंटे से हमें तो कोई कस्टमर दिखा नहीं इनके घर पे सामान लेने आता हुआ। तो ये इनका घर है, इसकी घर की हालत आपको मैं दिखाई चुका हूँ पहले, तो प्लीज़ यार इस फैमिली को सपोर्ट करें, इस फैमिली को हेल्प करें। माता जी ये जो टुल्लू पंप है इसी से पानी खींचते हो आप? इसी से खींचती हूँ मैं इसी से खींचती हूँ पानी, इसी से जो खींच के भरती हूँ पानी, ये भी जो ना 3-3, 4-4, 5-5 दिन तक नहीं आता ये भी पानी। अच्छा। ये बर्तनों में भर भर के रखती हूँ, रातों की नींद मेरी खराब होती है, रातों को उठ उठ के पानी भर भर के रखती हूँ इन बर्तनों में। और ये क्या नाम है जो बहन के लिए टॉयलेट का इंतजाम है, क्योंकि उठ नहीं पाती चल नहीं पाती, तो उसके लिए क्या अरेंजमेंट है? उसके लिए ये बना रखा है, ये स्टूल है, तो ममता बहन भाई इस पे बैठ के जो है अपना जो है करती हैं, मैं फेंकती हूँ फिर उठा के इसमें करती है, फिर मैं फेंकती हूँ उसको उठा के। तो अब देखिए ये होती है माँ और माँ की ममता यार, बेटी है जैसी भी है, माँ बेचारी इसको कलेजे से लगा के रखती है, परेशान हूँ, कमर में इतना दर्द रहता है,
कमर में इतना दर्द रहता, कमर से इतनी परेशान हूँ, कमर की हड्डी मेरी खिसक गई है जी। मैं खड़ी भी नहीं हो पाती, सीधी चला भी नहीं जाता टांगों से मेरे से, इतना मेरे दर्द रहता है घुटनों में। चलिए माता जी आ जाइए, आप बैठिए आप आराम से। ये हमारे रविंदर भाई, रवि भाई जो आज साथ में आए हैं हेल्प के लिए। रवि भाई क्या स्थिति है यार? स्थिति तो यार जैसे कहते हैं ना कि बच्चे बदतर, मतलब कुछ वर्ड में आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ऐसी हालत शायद मैंने ज़िंदगी में पहली बार देखी है, नो वर्ड्स। और समस्याओं का तो अंबार है। बिल्कुल, चलो नमस्कार, जय हिंद। तो जैसा आपको मैंने बताया, एक ऐसा सेंसिटिव केस मेरे सामने आया हमारे एक फौजी भाई के माध्यम से, प्रदीप भाई के माध्यम से। ममता बहन जो उत्तर प्रदेश में रहती हैं, ये स्नातक हैं, ग्रेजुएट हैं, लेकिन इनके साथ ज़िंदगी में इतनी सारी परेशानियां हैं, अगर गिनती करने बैठोगे तो एक के बाद एक से बढ़कर एक परेशानियों का अंबार मानो उनके परिवार के और उनके ऊपर लदा हुआ है। एक वर्ड सुना था, लाचारी और मजबूरी। वो लाचारी और मजबूरी का इतना भारी भरकम पहाड़ इनके परिवार पर उनके ऊपर आके पड़ा हुआ है, इसकी व्याख्या मैं खुद भी करूं तो मुझे भी लगेगा यार क्या वाकई को इतनी परेशानियों से गुजर सकता है ज़िंदगी में। आप और हम जैसे लोग तो बहुत अच्छी भगवान की मालिकी परमात्मा की कृपा है कि दाल रोटी खा रहे हैं, पर क्या वाकई इतनी मजबूरी में लोग जी रहे हैं, एक के बाद एक इतनी परेशानियों से जी रहे हैं, क्या इनकी परेशानियाँ। और यार आगे बढ़ के हमेशा से रॉयल सोल्जर चैनल के माध्यम से हमने हमेशा लोगों की हेल्प की है, और हम चाहेंगे कि बहन की भी जितना हो सके हेल्प करें। बहन की परेशानियां क्या हैं, मजबूरियां क्या हैं, उनको हम जानना चाहेंगे खुद बहन की जुबानी। ममता बहन जिनकी उम्र हो गई 38 ईयर्स, आज तक ये खुद विवाहित नहीं है, शादी नहीं कर पाई हैं, क्या इनके कारण हैं? ये बेड में पड़ी हुई हैं, इनकी बैक में फ्रैक्चर है, कमर में, घुटनों में गैप आ गया है। 14 ईयर्स तक इनके घर में लाइट नहीं रही थी, और क्या क्या मजबूरियाँ परेशानियाँ हैं। पीएम मोदी मन की बात में कई बार वॉइस मैसेज कर चुकी हैं, योगी सरकार को अपने संदेश पहुंचा चुकी हैं अपनी परेशानियों की, मजबूरियों की, नौकरी के लिए, पर वहां से कोई रिप्लाई नहीं आता। उम्मीद करता हूं कि योगी सरकार, मोदी सरकार इस वीडियो को सीरियस लेगी और वाकई जो लोग ज़रूरतमंद हैं उनकी हेल्प करने के लिए कोई इनिशिएटिव लेंगी। तो ममता बहन अपने बारे में थोड़ा सा आप प्लीज़ बताइए पहले। जी नमस्कार भैया, मेरा नाम ममता है और हम यहाँ शहीद नगर क्षेत्र में 30 सालों के लगभग से रह रहे हैं, और हमारे परिवार में केवल हम दो ही लोग हैं, मेरी मम्मी बुज़ुर्ग, मेरी मम्मी 64 साल की मेरी माता जी हैं, और मैंने बीए किया हुआ है और टाइपिंग भी सीखी हुई है जिस वक्त मैं पढ़ाई करती थी, लेकिन परेशानियों का ऐसा पहाड़ मेरे ऊपर टूटा हुआ है कि आठ जब मैं बीए फर्स्ट ईयर में थी तो 8-9 साल मेरे पेट के ऑपरेशन 3 बार हुए हैं, पेट के 3 बार ऑपरेशन 8 साल में, 2-2 साल के, एक डेढ़ साल 2 साल इस तरीके से मेरे ऑपरेशन हुए, तो 8-9 साल के करीब वो ख़राब हो गए, तब मैं चाह करके भी कुछ नहीं कर पाई। अपेंडिक्स ब्लस्ट जी, मेरा अपेंडिक्स मेरा बर्स्ट हो गया था, और जिसकी वजह से मेरी हाथों में मतलब मवाद बन गया था, पेट में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया था, डॉक्टर ने मतलब बचने की भी उम्मीद ख़त्म कर दी थी, लेकिन फिर भी मैं बच गई, पता नहीं कौन सी परेशानियों का सामना करना था। उसके बाद में अभी 7.5-8 सालों के लगभग से मैं रीढ़ की हड्डी की समस्या से जूझ रही हूँ। मेरी रीढ़ की हड्डी में मैं गिर गई थी, मेरे पहले मुझे स्लिप डिस्क हुआ, स्लिप डिस्क होने के बाद में सब ने मना कर दिया कि ऑपरेशन मत कराना, तो डर की वजह से हम ऑपरेशन नहीं कराया, ऐसे ही जूझते रहे, दर्द को सहते रहे, दवाइयाँ खाते रहे, हॉस्पिटल में चक्कर काटते रहे, लेकिन कोई ज़्यादा सुविधा हमारे पास भी नहीं थी कि मतलब हमारे पास भी कोई इतना, हम आर्थिक स्थिति संपन्न नहीं है कि हम अच्छे से अच्छा इलाज करा सकते, इसलिए सरकारी हॉस्पिटलों में ही आना जाना बस मैं और मेरी माताजी दोनों, हमसे चला भी नहीं जाता था, लेकिन फिर भी खुद ही हम सरवाइव करते थे, खुद ही आना जाना करते थे, कोई किसी का हमारे घर में इतना भी सहारा नहीं है कि हमें कोई हॉस्पिटल ले जाए, हॉस्पिटल से छोड़ आए ले आए, खुद ही जाते थे, खुद ही करते थे। ममता बहन आपके परिवार में वैसे कौन कौन लोग हैं? एक आप हैं, एक माताजी हैं, और
फैमिली के बारे में और थोड़ा बताइए, भाई बहन या कोई और पिताजी? जी मैं जब एक साल की थी तो मेरी मम्मी को मतलब बताया जाता है कि मतलब पापा मम्मी को मारते थे, तो हमारे नाना जी मम्मी को ले आए थे, लेकिन उसके बाद में उन लोगों से हम मतलब कोई भी संपर्क नहीं था। कोई कहते थे कि मर मतलब मेरे पिताजी के लिए बोलते, कोई कहते मर गया, कोई कुछ कहते, कोई कुछ कहते, तो हम मतलब हमारा भी कोई संपर्क नहीं था। मेरी माँ ने ही मुझे पाला है। मेरी माँ मुझसे कहती थी कि मैं ही बाप हूँ तेरा, मैं ही माँ हूँ, तू सिर्फ मुझे देख और तू बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। तो मेरा बचपन भी एक बिना माँ बाप वाली ज़िंदगी में ही कटा है। बूढ़े नाना नानी थे मेरे, वो इतनी कोई केयर नहीं करते थे। मम्मी ने शुरू से ही जॉब की है, जॉब करती थी मम्मी। उसके बाद में नाना नानी एक्सपायर हो गए, मामा की शादी हो गई, तो मामा मामी ने हमें घर से निकाल दिया। उसके बाद में मम्मी ने कुछ पैसा जोड़ रखा था, तो एक ये छोटा सा जिस घर में आज हम बैठे हैं तो ये मम्मी ने लिया था। लेकिन इसमें भी हमारे साथ में कुछ ऐसा हादसा हो गया कि हम कुछ पैसों की वजह से हम देनदार बन गए, तो उसमें एक नाम का चक्कर पड़ गया, तो उनके नाम उन्होंने अपने नाम करा लिया, जब हमारा पैसा दोगे तब हम तुम्हारे नाम कर देंगे। लेकिन वो पैसा हम आज तक चुका नहीं पाए, जिसकी वजह से आज तक हम उनके नाम के नीचे रह रहे हैं। आज तक हम इसे अपना नहीं कह सकते। लेकिन अब उन्होंने हमारी स्थिति को देख करके एक वसीयतनामा कर दिया है वैसे, लेकिन फिर भी हम इस कंडीशन में नहीं है कि हम अपनी एक जीवन यापन को, अपनी जीवन स्थिति को एक ट्रैक पर ला सकें, ताकि हम मैं जॉब कर सकूं। मैं इस स्थिति में नहीं हूं। अपनी परेशानियों की मैंने कई बार मोदी जी की मन की बात का जो टोल फ्री नंबर है 1811 7800, उस पर भी मैंने कई बार अपनी परिवार की और अपनी मेडिकल कंडीशन के बारे में जिक्र किया है। और CM 1076 जो CM हेल्पलाइन है गाज़ियाबाद की, जो CM है उस हेल्पलाइन पे भी मैंने कई बार अपनी समस्याओं के बारे में कई बार बोला है, लेकिन अभी तक सिर्फ हम बोल के ही रह गए हैं। मैंने कई बार ये गुजारिश की है कि मेरी उम्र 38 साल है, क्योंकि प्राइवेट नौकरी में एज भी मैटर करती है, लुक भी मैटर करता है, और ये सारी चीज़ों में मैं परफेक्ट नहीं हूँ। और मेडिकल कंडीशन की वजह से भी मतलब मेरे जीवन में बहुत कुछ उतार चढ़ाव है, तो मैंने ये अरे मेरी बहन तो चिंता मत करो, योगी सरकार या मोदी सरकार या कोई भी सरकार, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने देश का नागरिक जो उनको बनाता है, कोई भी सरकार हो जिसको जनता बनाती है, जनता की परेशानी को समझने का कर्तव्य बनता है। लेकिन जब नागरिकों की सहायता के लिए आप हम जैसे लोग सामने आते हैं तो ये भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसी सरकारों तक बहन की बात पहुंचानी है, बहन के लिए वीडियो को शेयर करना है ज्यादा से ज्यादा। मैंने योगी जी से भी कई बार बोला है कि मुझे मतलब मुझे सरकारी विभाग में किसी ऐसी नौकरी देने की कृपा करें जिससे कि हम अपना एक आत्मनिर्भर और एक सुरक्षित जीवन जी सकें, क्योंकि एक भिखारी सड़क पर खड़े होकर मांग सकता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अंदर अंदर सिर्फ घुट कर रहते हैं। मैं ये चाहती हूँ अगर हमें कोई एक महीना रोटी दे सकता है तो फिर अगले महीने फिर हमें मुंह देखना पड़ता है। ऐसी स्थिति ना हो कि हम एक महीना खा लें और हम फिर आगे के लिए मुंह देखें। तो मैं सरकार से गुजारिश करना चाहती हूँ कि मुझे एक सरकारी नौकरी देने की कृपा करें, ताकि मैं अपना बाकी का जीवन एक आत्मनिर्भर तरीके से गुजार सकूं और अपनी बूढ़ी माँ का कुछ सहारा बन सकूं। शारीरिक रूप से नहीं तो कम से कम पैसों से मैं अपनी माँ को सहारा दे सकूं। अच्छा ममता बहन, आप मुझे बताइए, ये जो राशन कार्ड वाला डिस्कशन आपसे हो रहा था, देखिए BPL कार्ड उन लोगों के बनते हैं जिनके घर में बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी हैं, मोटर चाकर नौकर चाकर हैं, लेकिन एक ऐसा जरूरतमंद इंसान जिसको वाकई BPL की जरूरत है, जो कि खुद फिजिकली चैलेंज्ड है, इनकी रीढ़ की हड्डी में कौन सा है वो मेल्ट जो बताते हैं, L5S1 कोई प्रॉब्लम, फ्रैक्चर, बाइलेटरल फ्रैक्चर है और हड्डी अपनी जगह से हट गई थी, जिसका मेरा 13 जनवरी को ऑल इंडिया हॉस्पिटल में एम्स में ऑपरेशन हुआ है।
तो ऑपरेशन के बाद ये आज तक फिजियोथेरेपी या बाकी चीज नहीं करवा पाई क्योंकि ना तो कोई गाड़ी की व्यवस्था है ना ही इनके पास लाने ले जाने के लिए कोई भाई या और कोई व्यक्ति है। माता जी के घुटने में भी प्रॉब्लम है। माता जी का घुटने का क्या स्टेटस है बहन, एक बार दिखाना जरा। माता जी के घुटने में भी काफी दिक्कत है, परेशानी है। और सबसे बड़ी दुख की बात जानते हो क्या है, जिस घर में रह रही हैं उस घर में 14 साल तक लाइट नहीं थी। एक बार दिखाना घर की कंडीशन भाई, किस टाइप से माता जी का बहन का घर, ये आप देख सकते हैं। ये इनका रूम है जहां रहते हैं, प्लास्टर पूरा झड़ा हुआ है। ये आप देखिए, ये आप देखिए किस तरीके से क्या स्थिति है। ये माता जी हैं, ये रूम है जहां पे ये माता और माँ और बेटी यहाँ पे रहती हैं। और माता जी की और एक दुख की बात है जो मेरे को अभी बातों में बताई, इनके यहाँ पे बिजली 14 साल तक नहीं आई क्योंकि इनके पास बिजली के पैसे भरने के लिए इतना आमदनी नहीं है। तो उनके घर में एक छोटा सा हैंडपम्प है जहाँ से पानी खींचती हैं। बुढ़ापे में एक तो चल नहीं पाती ठीक से, उसके बाद जब यहाँ से पानी खींचती हैं तो उसके बाद उस पानी को यहाँ पे स्टोर किया जाता है, भर के रखा जाता है ताकि इनका जो जीवन यापन है, पानी की जो ज़रूरत है वो पूरी हो सके। लेकिन दुख की बात यह है कि मोटर ना होने की वजह से वो बेचारी इस कष्ट में बुढ़ापे में भी इस बूढ़ी काया के साथ दुख सहती हैं, पानी खींचती हैं। तो यार एक गरीब इंसान के लिए अगर ऐसी फैसिलिटी नहीं है तो फिर क्या फ़ायदा हो रहा है, कौन कौन सी योजनाएँ हैं, अन्य धन योजना और ना जाने क्या क्या। माता जी आप मुझे ये बताइए, जब राशन के लिए आप जब जाते हो राशन लेने के लिए तो किस किस समस्या का आपको सामना करना पड़ता है? आपका बीपीएल कार्ड अब तक नहीं बना है? बीपीएल कार्ड नहीं बना हमारा। तो और वो कौन सा गरीबी की परिभाषा है कि जहाँ पे बीपीएल कार्ड बनते हैं लोगों के, इनसे ज्यादा जरूरतमंद कौन होगा देश में? जब ऐसे व्यक्तियों की बीपीएल कार्ड नहीं है तो मुझे समझ नहीं आता कि कौन से सरकारी कर्मचारी हैं जो किन लोगों का बीपीएल कार्ड बना रहे हैं। आपने अप्लाई किया था? आपने मतलब पहले तो वो बीपीएल ही बनाता, लेकिन बाद में उन्होंने जब नए राशन कार्ड बने थे तो वो गृहस्थी पात्र उसको बोल दिया था। तो वो कहने, जब हमने इस चीज के लिए ऑब्जेक्शन किया कि हमारा बीपीएल कार्ड क्यों कट दिया, तो वो बोलने लगे कि ये यही रहेगा। अब वो इसका मतलब बीपीएल का और इसका मतलब एक ही है, सफेद कार्ड है ना तुम्हारा, बस ये इसका मतलब बीपीएल ही है, इतना कह के हमें मतलब वो कर दिया। लेकिन हाँ, मतलब जो एक गुलाबी कार्ड भी होता है जिसपे 20 किलो कुछ राशन मिलता है, 15 किलो चावल मिलते हैं, लेकिन उन लोगों के वो गुलाबी कार्ड बने हुए जिनके घर में कोई कमी नहीं है, घर में गाड़ी घोड़ा सब कुछ है, लेकिन और आपको कितना मिलता है राशन? हमें कुल 6 किलो गेहूं और 4 किलो चावल मिलते हैं। मतलब ऐसे गरीब स्थिति में जिनके रोजगार का आमदनी का कोई जरिया नहीं है, ना इनके पास कोई पेंशन है, माता जी जो है दुकान चलाती हैं अपना जी। पहले मेरी मम्मी रेलवे स्टेशन पे दुकान लगाती थी, तो बस किसी तरीके से मतलब काम करती थी। अब वो मेरी वजह से, क्योंकि मेरा काम ऐसा है कि लैट्रिन बाथरूम जाना पड़ जाता है तो दिक्कत हो जाती है, तो इसलिए घर में ही थोड़ा सा सामान रख लिया है। लेकिन अब स्थिति ये है कि यहाँ पे मतलब दुकान भी ज़्यादा नहीं चलती। आपकी वैसे मंथली जो है माता जी, थोड़ी बहुत गुजारा करने के लिए क्या है, कितना इनकम आ जाती है आपकी? बस ये है कि हमारी जो मौसी से ही हम उनके घर पे ही थोड़ा सा मतलब एक अपनी हेल्प के रूप में उनसे कुछ बोलते हैं तो वो कुछ भिजवा देती हैं, उसी से हम गुजारा अपना करते हैं। मतलब इनकी मजबूरी ये है कि ना तो सरकार से ना प्रशासन से इनका कोई मदद मिल रही है, और दूसरी बात ये कि आस पड़ोस में भी कोई कब तक किसकी हेल्प करेगा ये सोच के बरसों से इन बेचारों की कोई हेल्प नहीं कर रहा है। दूसरी बात ये अपने परिवार जनों पे अपनी मौसी पे निर्भर रहे हैं, पर मौसी भी बेचारी कब तक कितनी हेल्प करेंगे किसी की। वो भी बोलते हैं कि अपना कुछ इंतजाम करो, हम कब तक करेंगे तुम्हारा, अपने लिए कोई जरिया बनाओ। तो वही हमें चिंता है कि मैं जॉब कर नहीं सकती, मम्मी इस स्थिति में नहीं है, वो 64 साल की हो चुकी है, वो भी जॉब नहीं कर सकती। तो सरकार से मेरी हाथ जोड़ के इतनी विनम्र गुजारिश है कि कृपया मुझे कोई सरकारी नौकरी देने की कृपा करें जो कि मेरी मेडिकल कंडीशन को ध्यान में रखते हुए, ताकि हम ऐसा जीवन जी सके ताकि अपनी दैनिक जरूरतों, बेसिक जरूरतों को पूरा कर सके, और किसी के लिए, किसी के आगे अपने क्योंकि आजकल मैं एक लड़की हूँ, और जैसा कि आजकल का समय है कोई किसी का नहीं होता, मजबूरी का फायदा उठाने वाले हजार लोग हो जाते हैं जिन परिस्थितियों से मैं गुजर चुकी हूँ भली भांति। तो इसलिए मैं कभी सबके सामने अपनी बात कहती नहीं हूँ, क्योंकि कोई बता, हम ये नहीं जानते, आजकल आए दिन रेप हो जाते हैं, आए दिन मर्डर हो जाते हैं, तो
हर तरीके की सामाजिक गतिविधियों का डर भी मन में रहता है, तो इस वजह से हम अंदर अंदर घुटते रहते हैं, किससे कहें किससे ना कहें। एक फौजी हमारे मेरे एक फौजी भाई मित्र हैं, वो मुझे बहन मानते हैं, उनके जरिए मुझे संदीप भैया से मेरी बात हुई। आज मुझे मौका मिला है संदीप भैया के द्वारा अपनी स्थिति और अपनी परिस्थिति को बताने का, और सरकार तक मैं अपनी बात यही पहुंचाना चाहती हूं कि कृपया करके हमारे जीवन में कोई ऐसा गाइडेंस और या कोई ऐसा सपोर्ट नहीं है जो कि हमारा आगे का जीवन एक सुरक्षित रूप से और एक आत्मनिर्भर रूप से गुजारा कर सके। चलो बहन, आपको बिल्कुल डरने घबराने वाली बात नहीं है। मेरी बहन के साथ जो है ना उसका भाई खड़ा हुआ है, और जो लाखों दर्शक है हमारे चैनल के रॉल्स हो जो चैनल ऑन यूट्यूब, मैं चाहूँगा बहन आप निसंकोच होकर अपने एक बार यहाँ का एड्रेस भी बताएं, कोई आपकी हेल्प करके फिजिकली। मैं चाहता हूँ, देखिए अपने चैनल की खासियत है, हमारा उद्देश्य सिर्फ समाज सेवा, देश सेवा, देश हित में, कंट्री फर्स्ट फैमिली सेकंड, ये मेरा उद्देश्य रहता है रॉल्स हो चैनल के माध्यम से। तो बहन की जो भी मदद करना चाहता है सीधा बहन की हेल्प करें, और मैं चाहूँगा कि बहन आप प्लीज़ हो सके तो अपना अकाउंट नंबर भी शेयर कर दें, ताकि हमारे जितने भी सामाजिक भाई बहन जो जुड़े हुए चैनल के माध्यम से आपकी प्लीज़ डायरेक्ट थोड़ी बहुत हेल्प कर सकें, और आप उसको एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि आपको वाकई बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है। सरकार तो ना जाने कब आँख खोलेगी, सरकार के लिए ऐसे बहुत वीडियोस बनते हैं, सरकार देख के अनदेखा कर देती हैं, लेकिन ये देश के जो नागरिक हैं ये वाकई हम कुछ करना चाहते हैं आपके लिए। पहले तो मैं आपका जो है अभी जो भी राशन वगैरह है, हम अभी राशन वगैरह का अरेंज करा के भी आपके यहाँ पर रखवा देते हैं। आप बिल्कुल भी संकोच मत कीजिएगा कि एक बार बोलें 10 बार बोलें, जब भी आपका भाई हमेशा से हाजिर रहेगा। बाकी जो भी मदद है, हम चाहते हैं बहन सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए, अपना खुद का कुछ काम स्टार्ट कर चुके, बहन का ट्रीटमेंट हो जाएगा उसके बाद ही कुछ कर पाएगी। एक बार बहन दिखाना जरा थोड़ा सा, ये देखिए बैक में बहन ने पूरी, रवि भाई दिखाना जरा, ये बहन मेरी जो है ना ये बैक में पूरे बांध के बेचारी बैठी रहती है टॉयलेट, घुटने बांधने पड़ते हैं मुझे, घुटनों में ही पट्टियां बांध रखी हैं, और बहन की बहन को बोलने में हिचक है। पर मैं भाई होने के नाते बता दूं, बहन टॉयलेट जाने के लिए भी माताजी बहन को टॉयलेट कराती हैं, एक टॉयलेट सीट रखी हुई है, क्योंकि इनके घर में इंग्लिश सीट नहीं है। इंग्लिश सीट क्यों नहीं रखी हुई, क्योंकि उसमें हमारी मतलब एक तो आर्थिक स्थिति नहीं है, मकान बहुत जर्जर स्थिति में हो चुका है, दूसरा उसके लिए मोटर की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे घर में है नहीं, उसके लिए जो सप्लाई हैंड पंप जो हाथ से खींचने वाला पंप होता है उससे पानी खींचना पड़ता है, वो भी टाइम मतलब ये कि आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता, और कभी कभी नाले का पानी भी आता है, उसमें इतनी समस्या यहाँ पे होती है कि मतलब पानी भी नाले का पानी मिक्स होके आ जाता है, तो वो ना काम का रहता, ना बखेरने का रहता, ना नहाने का रहता, तो मतलब गंदा पानी आता। गर्मियों में तो बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत रहती है, नाली का पानी हमारे घर के बाहर नाली है, नाली का पानी बिल्कुल हमारे घर में आ जाता है, और बारिश हो जाती है तो पूरे घर में पानी आता है, बाहर पूरा घर भर जाता है। पिछली बारिश में हमारे यह पूरा मतलब आधा पलंग तक डूब गया था, पूरी बारिश का पानी अंदर तक आ गया था, तो यहाँ मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब नाजुक स्थिति। और जैसे इतनी दीवारें इतनी कमज़ोर हैं, दिवाली पे जैसे पटाखे वटाखे लोग छोड़ते हैं तो दीवारों से मिट्टी तक झड़ने लगती है, लेकिन किसी को मना करते हैं तो लड़ाई झगड़े करते हैं हमारे साथ में, इसलिए हम किसी से कुछ कह भी नहीं सकते। चलो बहन आप निश्चिंत रहिए, देखिए बहन ग्रेजुएट हैं, पढ़ी लिखी हैं, कुछ नौकरी करना चाहती हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये नारे ना किताबों में और राजनीति के लिए करने आते हैं, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, एक्साइजी कोई भी हो, क्योंकि ये चैनल ना तो किसी पार्टी का ना किसी नेता का है, इसी तरह अपने देश का और देश के नागरिकों का, और देश के नागरिकों के साथ कोई भी गलत बात होती है तो उसको हम उठाएंगे और आगे इनकी आवाज़ को पहुंचाएंगे जहां तक ये पहुंचनी चाहिए। सरकारें बहरी हो सकती हैं लेकिन इंसानियत कभी बहरी नहीं हो सकती, इंसानियत के नाते प्लीज़ बहन की हेल्प कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस मुद्दे को। बहन प्लीज़ अपना अकाउंट नंबर शेयर कर लीजिए आप एक बार, मतलब वैसे तो मुझे याद नहीं है, याद नहीं है, बाकी मैं चाहूंगा बहन पढ़ के भी। बहन बैंक का नाम क्या है? आंध्रा बैंक। ओके, आईएफएससी कोड है इसका ANDB0001587। एक मिनट, ANDA, ये आईएफएससी कोड है, और अकाउंट नंबर है 1587101000806877। तो भाई जो भी हेल्प हो सके प्लीज बहन की माता जी की हेल्प कीजिएगा, हम चाहते हैं कि बहन की जो परेशानी है थोड़ी बहुत तो हम कर सकें और कम कर सकें, तो प्लीज़ हेल्प कीजिएगा बहन की जितना हो सके, बड़ा ही मैं सिर्फ सरकार अपन
इस चैनल के माध्यम से, अपने भैया जी के माध्यम से सिर्फ मैं सरकार तक इतनी बात पहुंचाना चाहती हूं कि मुझे सरकारी नौकरी देने की कृपा करें किसी भी विभाग में, ताकि एक मैं सुरक्षित और आत्मनिर्भर जीवन जीना चाहती हूं। मैं ये नहीं चाहती कि मैं आज भैया से कह दूं, क्या पता कल को भैया भी किसी हालत में हैं, आ सकते हैं नहीं आ सकते हैं, हो सकता है मेरे पास ऐसी समस्या हो कि मुझे तुरंत पैसों की ज़रूरत हो और मेरे पास नहीं है, तो कम से कम मैं इस लायक तो हूँ कि अपनी ज़रूरतों को, अपने जीवन को एक आत्मनिर्भर बन के मैं गुजार सकूँ, क्योंकि मैं प्राइवेट जॉब करने की स्थिति में बिल्कुल भी नहीं हूँ। और सरकारी नौकरी की गुजारिश मैं इसलिए करना चाहती हूँ ताकि सरकार मेरी मेडिकल कंडीशन को ध्यान में रखते हुए ऐसी मुझे जॉब दे दे ताकि मैं जॉब भी कर सकूँ और मेरी जो स्थिति है वो बद से बदतर ना हो। बिल्कुल मेरी बहन, बहुत बहुत शुक्रिया। और कोई बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट, कोई बड़ा बिजनेसमैन अगर मेरे वीडियो को देख रहा है तो आपसे भी गुजारिश है, अगर आप बहन की स्थितियों को समझते हो कि कोई वर्कलोड ना हो, बड़ी आउटलुक और वो सब चीज़, अगर आप नहीं ध्यान देना चाहते, फिजिकल डिसेबिलिटीज़ है बहन को, कोई घर से इनके काम करने लायक, इनको कोई व्यवसाय दे दें आप ताकि घर पर बैठ के काम कर लें और बदले में आप इनको कुछ पैसा दे सके, तो वो भी बड़ी मेहरबानी होगी। उसके लिए भी बहन का एक बार नंबर आपने बहन शेयर किया था, आपको परेशान करना शुरू कर दिया था लोगों ने। जी, मैंने FB पे अपनी सारी समस्या लिख के डाल दी थी, तो मेरे पास पता नहीं कहाँ कहाँ से कॉल आने चालू हो गए, तो मतलब उल्टी सीधी बातें भी करने लगे, मतलब कि शादी वादी करने के लिए तैयार हो गए, मतलब तो मतलब मैं कह नहीं सकती, लेकिन मैंने फिर वो FB से अपनी वो अपना पोस्ट हटा दिया था, लेकिन मन की बात और CM हेल्पलाइन पर मैं कई बारी कोशिश कर सकी। आपको डायरेक्ट कांटेक्ट करने के लिए आपका कोई कोई वो ईमेल आईडी कुछ ऐसा है जो आप देना चाहो? मेरा ईमेल आईडी mamtavarma1282@gmail.com कन्फर्म है जी? MAMTAVERMA 1282@gmail.com। ठीक है बहन, जितना हो सकेगा हम प्रयास करेंगे कि अपनी बहन की मदद हो सके, माता जी की मदद हो सके। बाकी आप सबसे बड़ी बात है कि आप हौसला नहीं हार रहे हो, आप हिम्मत नहीं हार रहे हो, इतनी परेशानी होने के बावजूद भी आप लोग जो है ना हिम्मत से काम ले रहे हो, काबिले तारीफ है, और ऐसी हिम्मत बनाए रखना। बाकी रॉयल सोल्जर फैमिली हमेशा आपके साथ है, जब तक कि सरकार नहीं सुनती तब तक हम लोग आपके साथ आपको पूरा सहयोग देते रहेंगे। मेरी बहन हाथ मत जोड़, मेरी प्यारी बहन हाथ मत जोड़, परमात्मा के हाथ जोड़ने चाहिए बस। अन्नदाता जो है हर किसी को दाल रोटी देता रहे, हर किसी के परिवार को निरोगी सुखी रखे भाई, हम तो ये प्रार्थना करते हैं। हाँ जी, हो गया, चीनी हो गई, चाय हो गई, आटा हो गया, और क्या क्या सामान है, तेल निकाल दिया, और क्या बेटा, मसाले दे दे, गरम मसाले दे दे, हल्दी दे दे, मिर्च दे दे, हल्दी मिर्च गरम मसाला जो भी होता है किचन का, क्या क्या मसाले होते हैं दे दे। हमारी टीम के मेंबर्स ने इस परिवार की हेल्प करने का दृढ़ निश्चय किया, चाहे मेडिकल हेल्प हो या फाइनेंशियल हेल्प हो, राशन वगैरह की जब तक हो सकता है हम कर रहे हैं, और जो भी मोनेटाइजेशन से आता है हम ऐसे ही ज़रूरतमंद लोगों की हेल्प करते हैं। तो प्लीज़ आप लोग भी यार खुल के सपोर्ट करें, इनकी ही नहीं बाकी आपके घर के आसपास जो भी ज़रूरतमंद है सबकी सपोर्ट करें, और एक बार दिल से धन्यवाद अगर आप इनकी वाकई सपोर्ट करना चाहेंगे तो। धन्यवाद वंस अगेन, जय हिंद, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।